So today we are discussing the topic journal. Journal is a most important topic for sure. In class 11th, in CPT exams, in CS, CWA, even BBA, BCom and MBA, we should understand the basic concept of journal first. What is meant by the term journal? What is the another name of journal? And then how it is prepared? How can we write the transaction in journal book when the transactions are provided to you? That is going to play a vital role. Journal ka matlab kya hota hai? Journal ka matlab hota hai books of original entry. I repeat, books of original entry. It is the book which records the transaction from the voucher, from the source document. हम अपनी preceding class में ये बात सुन चुके हैं कि debit credit का क्या role है and how transaction affects our accounts. आपने रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर पर्सनल रियल नॉमिनल सुना था, राइट? आपने सुना था मॉडर्न अप्रोच, असेट कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये सब चीजें आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगी, राइट? हमें यहां पर ट्रांजेक्शन को पहचानना होगा. हमारी मर्जी, हम ट्रांजेक्शन को आप मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग करें या ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पर, हमारे आंसर्स अलग अलग नहीं निकलेंगे. इट विल बी सेम. ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग हमने किया था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. और मॉडर्न के अकॉर्डिंग हमने किया था असेट्स, कैपिटल, कैपिटल शाबाश, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, एसेट्स. असेट्स हो गया, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. हम इस तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं. और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी. एंड दिस इज मॉडर्न, हम भी मॉडर्न है, तो चलते हैं मॉडर्न अप्रोच की तरफ, ठीक है? और हम जनरलाइजिंग करते हुए इस चीज का खास ध्यान रखेंगे, राइट? हमें हर ट्रांजेक्शन के अंदर आइटम्स को पहचान कर उसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, इस बात का अंदाजा लगाना होगा. और उसे जब हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड जर्नल एंट्री. और इस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं. द प्रोसेस व्हेन कंप्लीटेड and the entry is provided in the books of accounts is called journalizing, and it is nothing but process of transferring journal entry to individual account. Hum aage isko jab journal book se nikal kar dusre accounts mein, individual accounts mein transfer karenge, to use hum posting kahenge, aur usi ko ledger posting kaha jata hai. Pehle hum voucher entry se ट्रांजेक्शन को निकालकर जर्नल में एंटर करते हैं, और जर्नल से निकालकर जब हम दूसरी इंडिविजुअल अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, इसे पोस्टिंग या लेजर पोस्टिंग कहा जाता है. अब दो बातें आ गई. जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है. क्या कहा जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंट्री या एंट्रीज. और जब जर्नल से हम पोस्टिंग कर देते हैं, जिसे कि हम लेजर कहते हैं, इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल. और प्रिंसिपल की स्पेलिंग में पी ए एल है, ये याद रखिएगा, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, ये हम कहते हैं इसको, प्लीज माइंड. या बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है?
बुक ऑफ फाइनल एंट्री, फाइनल एंट्री, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जर्नल एंड लेजर दोनों का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और जर्नल और जर्नल प्रॉपर एक ही तरीके से बनाए जाते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जर्नल प्रॉपर कैसे बनाया जाता है, जर्नल और जर्नल प्रॉपर में क्या डिफरेंस है? सी, जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर का सेम तरीका होता है, फॉर्मेट सेम होता है, लेकिन जब हम वेरियस सब्सिडरी बुक्स बना रहे होते हैं ना, तो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस सब्सिडरी बुक में जाएगी, और जो किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं जाती तो उसको जर्नल प्रॉपर में डाला जाता है। लेकिन जर्नलाइज कहते हैं, इसका मतलब हमें सारी ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री की तरह रिकॉर्ड करके दिखाना है। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। हम एक एक करके स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। आपको इतनी बात समझ में आना पहले जरूरी है। Now we should understand the format of journal. And journal format is like this: date, particulars, LF. LF stands for ledger folio. LEDGER ledger, FOLIO folio. Debit amount, that is in rupees. And credit amount, that is in rupees. अगर UK की करेंसी होगी तो pound लगा देंगे, यूरोप की करेंसी होगी तो यूरो लगा देंगे, US की करेंसी है तो आप क्या लगाएंगे, डॉलर लगा देंगे, and so on. इंडियन करेंसी है तो हम रुपीज लगा रहे हैं। तो बस अंडरस्टैंडिंग यही रखनी है कि फॉर्मेट हमें क्लियर हो। पार्टिकुलर्स का मतलब कुछ और नहीं, विवरण होता है, यानी कि हम चीजों को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बारे में ब्यौरा कंप्लीटली लिखना, और लिखने का तरीका कैसे होता है वो मैं आपको लिख करके दिखाऊंगा। तो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मेट ऑफ जर्नल जो हमें समझ में आना चाहिए। इन दिस करंट क्वेश्चन वी हैव टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस, राइट? We have to generalize the transactions, and transactions are very much mentioned in front of you. Hame transactions alag alag tarike se de rakhi hain. A transaction is Aditi started business with cash rupees 20,000. Aditi ne kis cheez ke sath business start kiya? Cash ke sath. Building rupees 30,000. Usne building bhi lekar aayi wo. फर्नीचर रुपीज 40,000, वो फर्नीचर भी लेकर आई। और ये सब किस लिए किया? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। याद रखिएगा, जब ट्रांजेक्शन इस तरीके से लिखा हो तो हमारे पहलू लिखने का तरीका तो बाद में सीखेंगे, पहले उन चीजों के नाम मेंशन कर लीजिए कि सर आपने जो अपनी पहली एंट्री बोली है उसमें कैश है 20,000 रुपीज का, उसके अंदर बिल्डिंग है 30,000 रुपीज का, और उसके अंदर फर्नीचर है 40,000 रुपीज का। और इन सबकी खास बात, सर ये जो कैश है आपने सिखाया था कि ये एक असेट है, बिल्डिंग आपने जब बैलेंस शीट बताई थी तो उसमें भी आपने सिखाया था कि ये एक असेट है, और फर्नीचर ये भी आपका एक असेट है, आपने पहचान लिया। और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो बिजनेस शून्य पे होता है, जीरो पे, और हमें जो कुछ भी सोचना है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हमें कुछ भी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हम जो सोचेंगे ये सोचेंगे कि अगर मैं बिजनेस हूं तो मेरे साथ क्या हो रहा है, तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है, फर्नीचर आ रही है, यानी कि ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही है, असेट इंक्रीज, बिल्डिंग भी एक असेट है इंक्रीज हो रही है, फर्नीचर भी एक असेट है इंक्रीज हो रही है। और असेट का हमने रूल पढ़ा था कि व्हेन इंक्रीज इट शुड बी डेबिटेड एंड व्हेन डिक्रीज इट शुड बी क्रेडिटेड, हमने यही पढ़ा था ना। तो यानी कि ये साफ हो गया कि असेट ये डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा।
अब बात आई सर ये तो सारी चीजें नजर आ रही थी आपने लिख दी, ये स्टार्टेड को आपने गोला डाला, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो वर्ड होता है ना स्टार्टेड या कमेंस्ड, ये एक ही बात होती है। स्टार्टेड या कमेंस्ड का मतलब होता है बिजनेस को शुरू करना, और जब बिजनेस को शुरू किया जाता है ना तो उसके अंदर मालिक अपना पैसा कैपिटल की फॉर्म में लेकर आता है हमेशा, कैपिटल की फॉर्म में, और उसे कैपिटल अकाउंट यानी मालिक का ओनर का पैसा इन्वेस्ट करने को कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ओनर इनटू द बिजनेस ऑफ हिज ओन इज कॉल्ड कैपिटल। अपने बिजनेस में पैसा लगाना मालिक का कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल की नेचर हमने पढ़ी है, व्हेन इंक्रीज इट शुड बी क्रेडिटेड, व्हेन डिक्रीज इट शुड बी डेबिटेड। तो अब यहां पर कैपिटल आपको क्या लग रहा है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? पहले शून्य थी, बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये इंक्रीज होगी, और इंक्रीज हो रही है तो मुझे इसको क्रेडिट करना है, ये अंडरस्टूड हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। सो अब हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, और जर्नल एंट्री जब बनाएंगे ना तो वो आपको क्लियर करने के लिए पहले फॉर्मेट बनाना जरूरी है, और फॉर्मेट बनाकर आप जर्नल एंट्री को प्रॉपरली लिखेंगे। सी एंट्री नंबर वन विल बी रिकॉर्डेड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट विच इज कॉल्ड जर्नल, एंड व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन वी शुड अंडरस्टैंड दैट कैश अकाउंट वॉज रिटन एज डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। आप ध्यान से देखिए मैंने किस तरीके से इसको मेंशन किया, मैंने इसे प्रेजेंटेशन किया है, कैश अकाउंट और डॉट डॉट डालकर या डैश ऐसे डालकर डेबिट लिख देंगे, और अमाउंट को यहां पर डेबिट के कॉलम में लिखना है। डेबिट लिखा है तो डेबिट के कॉलम में, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और अगेन उसको डेबिट के कॉलम में 30,000 रुपए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और उसे अगेन 40,000 रुपए डेबिट के कॉलम में, और वो जो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिखा था, क्रेडिट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं, वी शुड राइट टू कैपिटल अकाउंट, टू लिखने का मतलब ही क्रेडिट होता है, इसलिए टू कैपिटल अकाउंट जब आप मेंशन कर रहे हैं तो वो आपका क्रेडिट इंडिकेट करता है। क्रेडिट वर्ड के लिए क्रेडिट लिखकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू शो क्रेडिट इन राइटिंग। और क्रेडिट के अमाउंट में बच्चा कहता है सर फिगर कैसे लिखें, फिगर इन सबको जोड़कर लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, यानी कि हर डेबिट के इक्वल अमाउंट का उसका क्रेडिट होता है, यानी कि अगर डेबिट में कैश बिल्डिंग फर्नीचर है इन सबका अमाउंट टोटल कर लीजिए 20,000 + 30,000 + 40,000 इट कम्स 90,000 विच शुड बी रिटन इन क्रेडिट साइड। सो दिस इज द ट्रांजेक्शन विच वी शुड मेंशन हियर इन प्रॉपर मैनर, दिस इज द ट्रांजेक्शन। क्या मेरी ट्रांजेक्शन समझ में आई? यस सर। But it is not all ended. We have to write the narration. And narration is nothing but based on this first transaction only, जो आपके सामने है, Aditi started business, जैसे बोला गया है, उसी तरीके से हमें इसको mention करना पड़ेगा। और जब आप first transaction को mention कर रहे हैं ना, आप इस तरीके से present करेंगे, आप show करेंगे कि transaction के अंदर ना सर नीचे एक बार आप enter कर लीजिए और वहां पर प्रॉपर तरीके से दिखा दीजिए। ये मेरे को जगह नहीं बन पा रही है, एक मिनट, बना ली मैंने जगह। सो आप इस तरीके से मेंशन करेंगे, बीइंग अदिति स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बिल्डिंग एंड फर्नीचर, सो दिस इज द वे एंड फर्नीचर, दिस इज द वे। आपको अमाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप प्रेजेंटेशन कर दीजिए कि सर हमने नरेशन में उस बात को क्लियर कर दिया एंड द ट्रांजेक्शन इज डन, दिस इज द समरी ऑफ ट्रांजेक्शन, कि जो ट्रांजेक्शन अकर हुई, अदिति ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन हम ये भी कहानी कर रहे कि अदिति ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसे बड़ी दिक्कत हुई, उसने बैंक से कैसे कैसे दिक्कतें सामना किया, कहानी नहीं लिखनी।
आदित्य स्टार्टेड बिजनेस और वो किस किस सामान से किया लिख दीजिए और उसका फिगर सामने नजर आ रही है, बात खत्म हो गई। सो दिस इज द ट्रांजेक्शन विच वी शुड रिकॉर्ड इन सच अ मैनर। और ये ट्रांजेक्शन बड़े तरीके से रिकॉर्ड करनी आनी चाहिए। क्या हम इस बात को समझ पाए हैं? ये आपको डिसाइड करना है ट्रांजेक्शन को देखकर। वी आर टॉकिंग अबाउट एंट्री नंबर टू एंड एंट्री नंबर टू के अंदर आपके सामने दिख रहा है शी परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000 फ्रॉम मोना। यहां पर परचेज गुड्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो वो दो तरीके से परचेज कर सकते हैं, या तो कैश में या क्रेडिट में, यानी कि कैश में खरीदेंगे या उधार खरीदेंगे। जब आप कैश में खरीदोगे तब तो पैसा आपकी असेट है जो आपके पास आ रही है, आपके पास असेट बढ़ रही है, और जब आप उधार खरीदेंगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि उधार खरीदने को क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। मैंने आपको फिर कहा, जब तक आप वो रूल्स याद नहीं करेंगे कि असेट्स और एक्सपेंसेस का एक ही रूल होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज के टाइम इसको डेबिट करिए, डिक्रीज के टाइम इसको क्रेडिट करिए, और कैपिटल लायबिलिटीज और रेवेन्यू का एक ही रूल होता है कि अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो ये क्रेडिट होंगे और डिक्रीज हो रहे हैं तो ये डेबिट होंगे। सो दिस इज द रूल जो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, और इस मॉडर्न अप्रोच को हम हर बार यूज करेंगे। आपको अगर ये याद नहीं है, बार बार आपको इसको देखना पड़ रहा है, तो आप वीडियो जाकर दोबारा देखें। उसके बाद आपको पहचानना आना चाहिए, सर असेट के नाम याद हो गए कि नहीं, कैपिटल लायबिलिटीज के नाम याद हो गए कि नहीं, एक्सपेंसेस जिसके अंदर पेड लगा होगा, रेवेन्यू जिसके अंदर रिसीव्ड लगा होगा यानी इनकम, तो आपको ये सब चीजें पहचान करनी आनी चाहिए। अगर आप पहचान पा रहे हैं तब तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, वरना आप अटके रह जाओगे। इसीलिए मैं स्टेप वाइज आगे बढ़ रहा था। सो प्लीज बी वेरी प्रैक्टिकल, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। परचेज दो तरीके से हो सकती है, कैश और क्रेडिट। जब परचेज गुड्स फॉर कैश हो, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो दो चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक गुड्स पे और एक कैश पे। ये जो गुड्स है ना, ये भी आपकी असेट्स है, और ये जो कैश है ये भी आपकी असेट्स है, और एक असेट आपके पास बढ़ रही है और दूसरी असेट कम हो रही है। कौन सी असेट आपके पास बढ़ रही है? गुड्स। और कौन सी असेट कम हो रही है? कैश। सामान खरीदेंगे तो पैसा देकर खरीदेंगे, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सर असेट का तो एक ही रूल है, इंक्रीज व्हेन डेबिट, डिक्रीज व्हेन क्रेडिट। तो जो असेट इंक्रीज हो रही है आप उसे डेबिट कर लीजिए, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, और जो असेट डिक्रीज हो रही है उसे टू लगा के लिख दीजिए, टू कैश अकाउंट। लेकिन बच्चे को समझने के लिए जरूरी है, बड़ी क्लासेस में जाने के बाद स्पेशली और बेसिक सीखने तक गुड्स लिखना समझदारी है, लेकिन गुड्स की जगह क्योंकि वर्ड में परचेज गुड्स था तो यू शुड रिकॉर्ड परचेजेस अकाउंट डेबिट। आई रिपीट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, you should not write goods account debit, right? जब सामान को परचेज करते हैं तो purchases account लिखा जाता है, जब सामान को सेल करते हैं तो टू सेल्स लिखा जाता है, that is very important. So उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। Yes, sir. सर आवाज नहीं आ रही। वी शुड अंडरस्टैंड कि एंट्री फॉर परचेजेस, मेरे बी पार्ट में परचेज गुड्स फॉर कैश लिखा हुआ है
और सी पार्ट में परचेज गुड्स फ्रॉम अंचित लिखा हुआ है। ये अंचित का मतलब है ये उधार खरीदा गया है, क्रेडिट पर सामान खरीदा गया है। जब तक ऑन कैश वर्ड ना हो इसका मतलब वो उधार है, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। कैश लिखा होगा तभी कैश है, और किसी का नाम लिखकर छोड़ दें तो इसका मतलब है उससे वो सामान उधार खरीदा गया है। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर यहां पर भी तो नाम लिखा हुआ है मोना, लेकिन मैंने कैश बोल दिया ना, तो इसलिए आप कैश ही है, मोना के नाम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब कंसेप्ट क्लियर करते हैं। परचेजेस के अंदर कभी भी आप एंट्री में देख लो कि परचेज गुड्स लिखा हुआ है, तो आप एक बात तो अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि परचेजेस अकाउंट को डेबिट लिखना ही लिखना है आपने। यानी कि जब मैं अपनी जर्नल एंट्री करूंगा मैं परचेजेस अकाउंट को डेबिट लिखूंगा ही नहीं लिखूंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और अगर मैंने सामान कैश में खरीदा है तो टू कैश लिख दूंगा, अगर मैंने सामान उधार खरीदा है तो जिसका नाम मेंशन है मैं उसका नाम लिख दूंगा। बस दिस इज द डिफरेंस। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आप कोई भी परचेजेस की एंट्री कर सकते हैं। परचेज गुड्स वर्ड अगर आपके सामने नजर आ रहा है तो 101% इस परचेज गुड्स को आप ध्यान से देखिए, आपको परचेजेस अकाउंट को तो डेबिट करना ही करना है, इसमें कोई इफ बट नहीं होगा। लेकिन टू में आपको डिसाइड करना है सर कैश लिखूं कि नाम लिखूं। अगर गुड्स परचेज पर कैश है तो कैश लिख दीजिएगा, अगर नाम लिखा हुआ है कैश नहीं लिखा हुआ तो नाम लिख दीजिए। दिस इज द ओनली डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सी इन दिस पर्टिकुलर एंट्री यू कैन चेक परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज हियर द गुड्स आर परचेज फॉर कैश इन बी पार्ट एंड इन सी पार्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अंचित, और अंचित कोई और नहीं एक क्रेडिटर है जिसका नाम मैंने रिकॉर्ड किया। इफ परचेजेस अकाउंट इज परचेज गुड्स वर्ड इज मेंशन्ड, आई रिपीट माई वर्ड, परचेज गुड्स वर्ड मेंशन है तो परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड ऑलवेज। दिस इज माई गारंटी। I repeat, purchases account is always debited if the word is mentioned, purchased goods. And you have to decide what to be credited. अगर आपको cash दे रखा है, you have to credit cash. अगर आपको नाम दे रखा है, you have to credit the name. And the name will be nothing but the creditor. क्योंकि आपकी liability generate हो गई है. This is something important we should understand. Hope this concept is clear to you. Now comes the fourth transaction. D part. She sold goods to Pranav rupees 12,000. And E part. She sold goods to Vrinda rupees 9,000 on cash. जिस तरह से मैंने purchase goods के लिए बताया, उसी तरह से अगर sold goods लिख दिया जाए तो सोल्ड गुड्स के भी दो पहलू हो सकते हैं, या तो वो कैश में बेचा जाएगा या क्रेडिट में बेचा जाएगा। क्रेडिट का मतलब उधार होता है, इसको टेंशन नहीं लेनी आपने। अगर सामान कैश में बेचो तो ऑब्वियसली पैसा आपके पास आ जाएगा, पैसा आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। सामान को उधार बेचो तो आपके डेटर्स फॉर्म हो जाएंगे, जिन लोगों से हमें पैसा मिलना है उन्हें डेटर्स कहते हैं और डेटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। अब बात रही दूसरे पहलू की, वो है दूसरा पहलू गुड्स का, यानी कि गुड्स आपके पास से चले जाएंगे, इट विल रिड्यूस। तो ये तो 1001% गारंटी है कि सोल्ड गुड्स के केस में आपके पास डेबिट क्या हो रहा है ये आपको डिसाइड करना है, और टू सेल्स अकाउंट 101% आपको लिखना ही होगा। टू सेल्स अकाउंट क्योंकि आपके गुड्स कम हो रहे हैं, असेट कम होने का मतलब है वो क्रेडिट किया जाएगा, गुड्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं। और डेबिट किसको किया जाएगा, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दीजिएगा,
अगर आपको नाम दे रखा है तो नेम को डेबिट कर दीजिए, जैसे मैंने डी पार्ट में प्रणव का नाम लिखा हुआ है तो मैं प्रणव को डेबिट कर लूंगा। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, परचेजेस के केस में परचेजेस इज ऑलवेज डेबिटेड और सेल्स के केस में सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड, और टू लिखने का मतलब क्रेडिट होता है। मुझे परचेज के केस में टू में क्या लिखना है ये सोचना है कि कैश आएगा कि नेम आएगा, और सेल्स के केस में मुझे ये सोचना है कि डेबिट कैश होगा कि नाम को डेबिट किया जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट विच वी शुड अंडरस्टैंड। यहां पर भी वही सेम तरीके से कंसेप्ट लगाया गया जैसे परचेजेस के लिए लगाया गया था। होप इट इज क्लियर टू यू। यस सर। इफ इट इज क्लियर, सो हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन नंबर डी एंड ई, दैट वी नीड टू चेक नाउ, एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू शो यू द स्क्रीन नाउ। In D part, we should mention Pranav debit because Pranav is the debtor and two sales account because goods are going out of the business, goods are reducing and Pranav is a debtor, debtor is increasing, this is asset, both are assets. Rule we should apply but the concept should be very clear. सर सेल्स के केस में हमेशा सेल्स क्रेडिट ही होगा और कैश को डेबिट करना है कि नाम को वो हमें डिसाइड करना है। डी पार्ट में प्रणव डेबिट किया और ई पार्ट में आपने देखा ऑन कैश लिखा हुआ था तो कैश अकाउंट को डेबिट किया लेकिन टू सेल्स अकाउंट ही लिखा गया दोनों केसेस में। क्या मेरी बात समझ में आई? और डेबिट में भी अमाउंट लिखा, क्रेडिट में भी अमाउंट लिखा। अभी तक आपने देखा होगा ये एलएफ का कॉलम हर बार ब्लैंक है, हमने एलएफ के कॉलम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक। व्हाई? क्योंकि एलएफ का मतलब होता है लेजर पोलियो, एलएफ का मतलब होता है लेजर पोलियो, और लेजर पोलियो का मतलब है लेजर बुक का पेज नंबर लिख देना। जब ओरिजिनल बुक्स बन रही होती हैं, ओरिजिनल बुक्स बहुत भारी होती है, सैकड़ों और हजारों पेज हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कैश का इंडिविजुअल अकाउंट हमने कौन से पेज नंबर पे रिकॉर्ड किया है। सपोज मैं कहता हूँ कैश का पेज नंबर लेजर के 51वें पेज नंबर पे है, बिल्डिंग का 105 पेज नंबर पे है, फर्नीचर का 209 पेज नंबर पे है, तो कल को अगर मुझे पेज खोलना पड़े तो मैं उस पेज को इमीडिएटली जाकर खोल सकता हूँ, वरना मैं एक एक करके पेज पलटता रहूंगा, अरे यार बिल्डिंग पता नहीं कौन से पेज नंबर पे होगा, तो आपको यहाँ पर देखकर पता लग जाएगा 100 पेज नंबर, 5 पेज नंबर खोलना है। मैं अगर आपको बुक खोलने को कहूं, मैं कहता हूं पेज नंबर 235 चैप्टर नंबर 5 का इतना है, तो आप तुरंत खोल देंगे उसको। आप कहेंगे सर पेज नंबर आपने बता दिया था, बात खत्म। दिस इज द वे वी कैन डू द टास्क इन यू नो हरिया, आप टास्क को बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। वी कैन डू द ट्रांजेक्शन इन क्विक मैनर। पेज नंबर कैपिटल अकाउंट का कौन सा है, मैंने लिख दिया 3 पेज नंबर पे है, तो ये बात सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए है। गुड्स का परचेजेस अकाउंट का पेज नंबर क्या है, 24 है। जहां जहां परचेजेस अकाउंट आएगा वहां वहां मैं पेज नंबर 24 ही लिखूंगा। जैसे कैश अकाउंट का पेज नंबर क्या है, मैंने एक बार डिसाइड कर दिया 51 है तो 51 पे ही होगा, इस तरीके से चलेगा। तो ये आपका तरीका है। हाँ ये बात अलग है कि कैश की कई सारी ट्रांजेक्शन थी, सर हमने तो 15 पेज में कैश अकाउंट बना रखा है, तो आपका पेज नंबर 51, 52, 53, 54, 55 इस तरीके से बदल सकता है और आप बदल कर लिख सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट वी शुड अंडरस्टैंड, एलएफ का क्या रोल रहेगा। लेजर पोलियो का पेज नंबर हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनलिटी में, लेकिन अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। इसके बाद एफ पार्ट, शी पेड वेजेस रुपीज 1000, सैलरी रुपीज 2000, रेंट रुपीज 3000, इन सब में एक नाम बोला पेड। पेड का मतलब पैसे का जाना, यानी कि कैश आपके पास से रिड्यूस हो रहा है, और ये जो नाम लिखे गए थे वेजेस सैलरी रेंट
ये सब आप पे कर रहे हो, ये सब एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस आपकी बढ़ रही है। एक्सपेंसेस का बढ़ना आपका डेबिट होता है और असेट का कम होना, ये आपकी असेट है, असेट का कम होना आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। असेट का बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखकर सिर्फ हाँ कह देने से काम कभी नहीं चलेगा, अकाउंटेंसी कॉपी हाथ में लेकर लिखने से आएगी। अब आपको पता लग गया कि वेजेस सैलरी रेंट के आगे मैंने डेबिट लिखा है, तो जो मैं जर्नल एंट्री करूंगा मैं ऐसे ही लिखूंगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, मैं लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट, मैं लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, और इन सबको इस तरह से लिखकर टू कैश अकाउंट मेरे पास से रिड्यूस हो रहा है तो टू कैश अकाउंट, सबकी फिगर प्रॉपरली डाल दी जाएगी। वेजेस के आगे 1000, सैलरी के आगे 2000, रेंट के आगे 3000, और इन सबका टोटल करके कैश के आगे 6000, और ट्रांजेक्शन खत्म कर दी जाएगी। और ये ट्रांजेक्शन कैसे खत्म की जाएगी, ये अब आपको मैं इसके अंदर प्रेजेंट भी करके दिखा रहा हूं। आप ई पार्ट को गौर से देखिए, दिस इज द ई पार्ट, सॉरी एफ पार्ट। मैंने इसको अलग अलग एंट्री की, वेजेस अकाउंट अलग से डेबिट, राइट, एंड टू कैश अकाउंट 1000 रुपए की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अलग से 2000 रुपए, एंड देन उसके बाद तीसरा नाम क्या था याद है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और 3000 रुपए। इसे कहते हैं सिंपल एंट्रीज। जब हम ट्रांजेक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो इसे कहा जाता है सिंपल एंट्रीज, सिंपल एंट्रीज। और जब आपको अभी मैंने लिखकर दिखाया था, तो और यहां पर भी मैंने लिखकर दिखाया, और लिखकर इसी सेम ट्रांजेक्शन को आप इस तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और इसे कहा जाता है कंपाउंड एंट्री। एक साथ जितनी चीजें डेबिट होनी है उन सबको लिख दिया, इसे कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं, इसे कंपाउंड एंट्री बोला जाता है। जितने डेबिट एक साथ लिखने हैं लिख दीजिए, जितने क्रेडिट एक साथ आ रहे हैं उन सबको क्रेडिट कर दीजिए। मोर देन वन अकाउंट डेबिट होगा या मोर देन वन अकाउंट क्रेडिट होगा तो वो कंपाउंड एंट्री कहलाएगी, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंट्रीज एंड कंपाउंड एंट्री। आप किसी भी ट्रांजेक्शन को इस तरीके से लिखकर आप समझा सकते हैं विद एग्जाम्पल, तो आपको पता लग जाएगा सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपकी मेरी बात समझ में आ गई होगी। डेबिट जिसमें लिखा है उसका अमाउंट डेबिट साइड में ही जाएगा, डेबिट साइड, और जिसमें टू लिख दिया दिस इंडिकेट्स क्रेडिट, और टू लिखते हैं ना तो बिल्कुल हल्का सा दो कैरेक्टर की जगह छोड़ देते हैं, जैसे पैराग्राफ चेंज करते हुए करते हैं, और उसको क्रेडिट साइड में ही लिख दिया जाता है, एंड सम टोटल विल बी सेम। आप चाहो तो सिंपल एंट्रीज कर सकते हो, सर मैं सबको अलग अलग करना चाहता हूं या चाहती हूं, और आप चाहो तो इकट्ठा एक बार में कर दें कि हम कंपाउंड एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए रिकॉर्ड कंपाउंड एंट्री तो कंपाउंड ही करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड सिंपल एंट्रीज तो सिंपल ही करनी पड़ेगी, वरना द चॉइस इज योर्स, यू कैन चूज एनी ऑफ दी वे। होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अगेन In this particular question, she part indicates she received rent, and received word indicates income. Received interest, interest is a kind of income for you, or income ya revenue jab hoti hai, when increase it should be credited. And jab received ki baat kar rahe hain, to another concept is cash. Paisa aapke paas aa raha hai. जो कि असेट है और वो आपके पास इंक्रीज हो रही है, और जब पैसा इंक्रीज हो रहा है असेट है डेबिट होना चाहिए, तो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, यानी कि आपको ट्रांजेक्शन में अमाउंट लिख देना है जितना भी है, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में, प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। और इस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको ले जाकर दिखा रहा हूं। अब आप गौर से देखिए, इसका जी पार्ट कैश अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, और लिखने के तरीके में आपने 20,000 लिख दिया, दिस इज द वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। सिंपल सी दो बातें अपने दिमाग में डाल लीजिए हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग, जो आपके काम आएगी। अगर एक्सपेंसेस होंगे तो वो हमेशा डेबिट होंगे, अगर इनकम होगी तो आपके हमेशा क्रेडिट होगी। पिछले वाले केस में वेजेस, सैलरी, रेंट, ये सब पे किए गए थे इसलिए एक्सपेंस थे, इसको डेबिट किया गया। इस वाले केस में इसे रिसीव किया गया, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट किया गया। दोनों ही सूरतों में पैसे का ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसा आ रहा है तो डेबिट कर दीजिए, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए। दिस इज द सिंपल सा फंडा। जब आप डेबिट में एक्सपेंसेस लिख चुके होंगे तो डेबिट में तो आप कुछ लिखना ही नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है क्रेडिट में ही कैश आना है। जब आप टू इंटरेस्ट रिसीव लिख चुके होंगे क्रेडिट में, तो अब आपको पता है सर डेबिट में क्या लिखे, वहीं पे कैश लिखना है। तो ये एक और अंडरस्टैंडिंग का लेवल हो सकता है जो हम करते करते सीख जाते हैं। मैं क्रिस्प में आपको बता रहा हूं कि इस वक्त हम लोगों ने क्या क्या समझा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अब तक जो किया उसके अंदर अगर वर्ड कमेंस्ड आ जाए या स्टार्टेड आ जाए, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, तो ऑल असेट्स जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है वो डेबिट होंगी और टू में कैपिटल अकाउंट ही आएगा, ये अंडरस्टूड है। दूसरी चीज, परचेज्ड गुड्स वर्ड अगर आ जाए, आई रिपीट, Purchased goods, तो आपको purchases account को ही debit करना है और टू में cash आएगा कि name आएगा ये आपको decide करना है। अगर sold goods आ जाए word, तो आपको 100% to sales account ही लिखना है और ऊपर cash को debit करना है कि name को debit करना है ये आपको सोचना है। अगर पेड वर्ड के साथ कोई भी एक्सपेंसेस आ जाएं, रुपीस कुछ भी, तो आप कहेंगे सर एक्सपेंसेस अकाउंट तो डेबिट होंगे और पैसा आपके पास से चला जाएगा। अगर आप इनकम्स रिसीव्ड कर लेंगे तो यहां पर रिसीव्ड वर्ड है, यहां पेड वर्ड था, पेड वर्ड में टू कैश ही होगा और रिसीव्ड वर्ड में कैश अकाउंट डेबिट ही होगा और टू में जो भी इनकम रिसीव की है उसका नाम क्रेडिट कर देंगे। दिस इज द समरी ऑफ एवरीथिंग वी हैव डन। शॉर्ट में, क्रिस्प में आपको बात समझ में आनी चाहिए। अगर टीचर सामने से एंट्री बोलते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम रमन, मेरे को परचेज गुड्स सुनते ही ये क्लियर कर लेना है सर परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। अब आप आगे बोलिए, टीचर ने रमन पे रोक दिया, सर टू रमन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमन, अमाउंट जो आपने बोला है सर वही। अब टीचर ने कहा परचेज गुड्स, जैसे ही उन्होंने परचेज गुड्स बोला मैंने डिसाइड कर लिया सर परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होना ही है। अब टीचर कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम श्यामलाल ऑन कैश, सर आपने कैश बोल दिया ना, तो अब नाम की वैल्यू खत्म हो गई, यानी कि टू कैश ही लिखना है मुझे। टीचर बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम नंदू, अब परचेज गुड्स फ्रॉम नंदू बोल दिया, परचेज गुड्स बोलते ही मैंने परचेज अकाउंट को मन में बिठा लिया कि तू परचेज अकाउंट डेबिट ही होना है, और जैसे ही नंदू के बाद सर कैश तो नहीं है ना, तू नंदू ही आएगा, बात खत्म हो गई। सो दिस इज द वे वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। आगे टीचर बोलते हैं बेटा एडवर्टीजमेंट पेड ₹2,000, सर आपने क्या कहा एडवर्टीजमेंट पेड, एडवर्टीजमेंट हमारा खर्चा होता है, पेड का मतलब पैसा गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस डेबिट ही होंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, और पेड वर्ड आया तो टू कैश तो आना ही आना है, उसके अंदर कोई इफ्ट नहीं। अगर मैं कहता हूं रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स, सर आपने कहा रेंट रिसीव्ड यानी कि ये रेवेन्यू है, रेंट रिसीव्ड हमारा क्रेडिट ही होगा क्योंकि रेवेन्यू क्रेडिट ही होता है, और रिसीव्ड वर्ड बोलते ही पता लग गया सर कैश डेबिट होना है क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, तो रिसीव्ड वर्ड में कैश डेबिट होगा ही होगा और पेड वर्ड में कैश टू में आएगा ही आएगा, यानी क्रेडिट आएगा ही आएगा। दिस इज द कंसेप्ट विच वी शुड नेवर फॉरगेट। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। नाउ द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन।
Tanu started business with cash rupees 2 lakh and bank balance rupees 37,000. B part, she purchased goods for cash rupees 20,000 and on credit from Mansi rupees 19,000. The choice is yours. You can record a simple entry. पहले आप कैश की कर दीजिए, उसके बाद उधार की कर दीजिए, चाहे तो कंपाउंड एंट्री कर लीजिए. The choice is yours. C part, she sold goods to Madhav rupees 13,000 on cash and 7,000 on credit. Tanu paid rupees 18,700 to Mansi in full settlement. I am trying कि आप mistakes भी करते हैं तो mistake करके सीखने का मौका मिलेगा. ठीक है, लेकिन पहले आप अपने एफर्ट्स करेंगे तब मैं आपकी बात जज कर सकता हूं. आप जरूर लिख करके मुझे आंसर भी दिखाएंगे. तनु रिसीव्ड रुपीज 6900 फ्रॉम माधव इन फुल सेटलमेंट. कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन हो सकती है जो आप कहो सर हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप समझिए बात को. रिसीव्ड लिखा हुआ है, सर आपने कहा था रिसीव्ड में कैश होता है तो मैंने कैश लिख दिया. कैश रिसीव के टाइम इंक्रीज होता है और यह हमारी असेट है जो कि इंक्रीज हो रही है, यानी कि यह डेबिट होगी. अब आपने कहा फ्रॉम माधव, माधव पहले नाम आ चुका है कि नहीं चेक कीजिए. सामान बेचा गया था माधव को, यानी माधव आपका डेटर है. माधव आपका डेटर है और डेटर भी हमारी असेट होती है और असेट आपकी कम हो रही है. माधव डिक्रीज हो रहा है, ये क्रेडिट होना चाहिए. इस तरह से आपकी ट्रांजेक्शन निकल कर आएंगी और आप किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे दैट मैटर्स. सो आई वॉन्ट आप पहले अपना ट्राई करें, बेस्ट अटेम्प्ट दें, फिर हम डिस्कस करेंगे. पेड रुपीज 2000 फॉर एडवर्टीजमेंट, 3000 फॉर रेंट एंड 4000 फॉर सैलरी. देन ची पार्ट इज रिसीव्ड रुपीज 2500 फॉर इंटरेस्ट एंड 5500 फॉर कमीशन. आई एम अगेन सेइंग this is up to us. We can record a simple entry and we can record simple entries and we can record the compound entries also. The choice is ours. Hum apni marzi se ye kaam kar sakte hain, but I would like to prefer ki aap compound entry hi record karein. It saves your time. So hope the concept is clear to you and you will do the homework also.